So the most awaited festival is almost here. Yes, Diwali. It's the time to clean every corner of your home to give it a fresh and bright festive look. So today, I came up with a quick and budget-friendly makeover to the most important and functional part of my home, which is my TV unit. This year, I have decided not to spend much on decoration and use the existing decorative stuffs available at my home. So most of the things are my creations, and I have provided the link for all those DIYs in description box. So before starting the video, a very warm welcome to all of you. Myself Devashmita, and main is channel pe DIY, home decor, painting and sketching videos post karti hoon. Now let's start the video. ओके तो ये है मेरा टीवी यूनिट का लेफ्ट साइड वाला पार्ट। यहाँ पे मैंने वायर्स को ट्रांसपेरेंट डबल साइडेड टेप से प्रॉपरली अरेंज कर लिया है। ओके तो यहाँ पे मैं प्लेस करूँगी ये ब्यूटीफुल सी लैम्प। इस मेकओवर का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। देन इसके पास प्लेस करूँगी ये सुंदर सी बोट एंड इसमें प्लेस करूँगी मैरीगोल्ड के गैलन। देन इसके अंदर मैं रखूँगी बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट्स। ऑलराइट देन मैं इसके बैक साइड में प्लेस करूंगी ये अपना DIY किया हुआ एक ट्रेडिशनल सा ट्रे। इसका वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चाहे तो वहां से चेक कर सकते हो। देन मैंने रखा है ये ब्यूटीफुल सी ग्लास। दिस वन वाज जस्ट प्लेन अर्लियर बट मैंने इसको थोड़ी सी येलो कलर से पेंट किया है, येलो ग्लास पेंट से एंड कुछ डेकोरेटिव बीड्स एंड मिरर से इस टाइप से डेकोरेट कर लिया है। एंड ये साइड में वायर को हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटी सी आर्टिफिशियल प्लांट रखी है। ओके तो आते हैं इसके जस्ट ऊपर वाले शेल्फ्स पे। इस टाइप के मेरे पास 3 शेल्फ्स है डिफरेंट साइजेस के। इनमें मैं रखूंगी अपने ही DIY किया हुआ मटकीज जो कि मैंने जन्माष्टमी में किया था। इस टाइप के ट्रेडिशनल डेकोरेटिव पीसेस दिवाली के सजावट के लिए परफेक्ट होते हैं। ऑलराइट देन आते हैं टीवी के दूसरे साइड पे, राइट हैंड साइड पे। यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ एक छोटी सी बास्केट रखी है जो कि अगेन मेरे ही हाथों का जादू है। बहुत ही सिंपल है ये वीविंग बास्केट बनाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लिया है। इसमें मैंने 2 बॉटल्स रखा है। देन इसके ऊपर भी 2 शेल्फ्स है, एक में मैंने रखी है एक लैम्प एंड देन और एक डेकोरेटिव बॉटल। ओके तो मैंने लिया है ये एक मेलामाइन का डेकोरेटिव पेस्ट जो कि इनिशियली था ओनली येलो कलर में, तो मैंने इसको थोड़ी मेकओवर दिया है यूजिंग रेड थ्रेड एंड मिरर्स। इसमें फ्लावर्स रखने के लिए मैंने इसके अंदर रखा है थर्मोकोल के पीसेस एंड इसमें फ्लावर्स को इस तरह से फिक्स कर लिया है। तो ये हो गया है रेडी एंड इसको मैं प्लेस करूँगी सबसे ऊपर वाले शेल्फ पे। एक्चुअली इसके पीछे था एक एक्सटेंशन बोर्ड तो इसको हाइड करने के लिए मैंने इसको इस तरह से प्लेस किया है। ऑलराइट तो इस वाले सेक्शन पे है साउंड सिस्टम एंड इसके सामने रखा है मैंने ये एक आर्ट पीस एंड देन रखा है एक ब्यूटीफुल सी बॉटल एंड रखा है बहुत प्रिटी सा एक रेड कलर की टी लाइट होल्डर। मेरी दिवाली डेकोरेशन में उर्ली तो इंक्लूड होती ही है हमेशा, तो मैंने अपनी ये पुरानी सी उर्ली को थोड़ी सिल्वर कलर से पेंट कर लिया है एंड देन इसमें पानी डाल के फ्लावर्स एंड कैंडल से डेकोरेट कर लिया है। देन सबसे ऊपर वाले लंबे से शेल्फ पे मैंने प्लेस किया है जगन्नाथ बलभद्र एंड सुभद्रा जी की मूर्ति। इनको मैं उड़ीसा से लेके आई थी एंड हियर यू गो विद द फाइनल लुक विथ ऑल द लाइट्स एंड ऑल। मैंने इस मेकओवर में ज़्यादा कुछ खर्चा ना करते हुए अपने सारे एग्जिस्टिंग DIY को ही यूज़ किया है। फेरी लाइट्स, टी लाइट कैंडल्स, फ्लावर्स, इन सब से घर के किसी भी कॉर्नर में मानो जान सी आ जाती है। ये था मेरे क्विक सा मेकओवर फॉर माय टीवी यूनिट। जल्दी ही मैं अपने लिविंग रूम का भी मेकओवर वीडियो पोस्ट करूँगी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड यस As always, if you like this quick makeover and if it helps you in any ways, then ek like to zarur banta hai. Also, please do consider subscribing my channel and do not forget to hit the bell icon. Your comments and likes motivate me to come up with more such interesting ideas. So with that, we came to the end of our video. See you soon with another interesting festive video. Till then, happy Diwali, safe Diwali. Bye-bye.